नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खा चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो नुस्खा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो है होली से पहले किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए ताकि होली में यूज़ किए जाने वाले केमिकल वाले रंग से आप बच सकें, क्योंकि केमिकल वाले रंग के इस्तेमाल से आपका चेहरा, आपका स्किन खराब हो जाता है, स्किन पे एलर्जी हो जाता है, कई तरह के स्किन डिजीज हो जाते हैं। तो आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, क्योर करें और होली के केमिकल वाले हानिकारक रंगों से मुक्ति पाएं। थोड़ा सा अगर हम क्योर करेंगे, थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे तो हमें होली के बाद परेशानी नहीं होगी, हमारे स्किन सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों, सावधानी में हमें करना क्या है? जब आप सुबह होली खेलने जाएं, उससे पहले अपने घर पर नारियल का तेल इस्तेमाल करें। नारियल का तेल हर किसी के घर में होता है। नारियल के तेल को क्या करें, अपने बालों में लगा लें। बाल में लगाने से क्या फ़ायदा होगा कि रंग जो है आपके बाल को नुकसान नहीं करेगा, और होली के बाद जब आप बाल को धोएंगे तो आपका बाल झड़ेगा नहीं, उसमें डैंड्रफ नहीं होगा, बालों के अंदर जो स्किन होता है वो स्किन खराब नहीं होंगे। तो आप होली खेलने से पहले इस नारियल के तेल को अपने बालों में चुपर लें, ज़्यादा लगा लें। लगाने का मतलब ये नहीं कि ऊपर ऊपर लगा लें, अपने स्किन के जो बाल के अंदर जो स्किन होता है उसमें भी लगाएं और पूरे बाल में चुपर के लगा लें नारियल का तेल। इसके अलावा इस तेल को अपने फेस पे लगा लें, अपने बॉडी के जो खुले हुए अंग हैं वहाँ पर लगा लें, और जहाँ जहाँ भी आपको लगता हो कि रंग लग सकता है, आपको मैं सलाह दूंगा कि आप अपने पूरे बॉडी पर नारियल के तेल का लेप लगा लें। अगर आप ऐसा करेंगे तो रंग जो है, चाहे वो कितना भी केमिकल वाला रंग हो, कितना भी गाढ़ा रंग हो, आपके स्किन को पूरे तरीके से प्रभावित नहीं करेगा, गाढ़ा रंग आपके स्किन पर नहीं चढ़ने देगा, और वो जब आप अगले दिन धोएंगे या शाम को जब आप धोएंगे तो आसानी से उतर जाएगा। थोड़ा बहुत अगर दिक्कत करता है तो उतारने के लिए भी मैं एक नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। जब होली आप खेल लें, खेलने के बाद शाम में जब आप स्नान करें, स्नान करने के वक्त क्या करें दोस्तों, थोड़ा सा दही ले लें, 2-4 चम्मच दही ले लें और इसमें 1 चम्मच शहद मिला दें। थोड़े से दही में थोड़ा सा शहद मिलाना है, इतना मिलाइए ताकि आपके स्किन में जहाँ भी आपको डार्क रंग लगे हुए हैं वहाँ पे पूरे में ये लेप लग जाए। शहद और दही को अच्छे से मिला लीजिए, पहले इसका लेप तैयार कर लीजिए, और लेप तैयार करने के बाद आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा हल्दी का पाउडर भी मिला सकते हैं। इससे आपके स्किन पे जो स्क्रैचेज आ गए होंगे हानिकारक रंगों के कारण, केमिकल वाले रंगों के कारण जो स्किन फट गया होगा, क्रैक हो जाता है, हल्का हल्का जख्म आ जाता है केमिकल वाले रंग से, तो जो जख्म आ गए होंगे वो जख्म हल्दी के कारण जो है वो भर जाएगा और स्किन को नुकसान नहीं करेगा। इसे क्या करें, हल्दी, शहद और दही के इस लेप को अपने पूरे बॉडी में लगाएं, और लगाने के बाद थोड़ी देर बाद आप स्नान कर लें। आपके शरीर पर जितने भी तरह के हानिकारक रंग होंगे वे सभी के सभी छूट जाएंगे, आसानी से उतर जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले आपने नारियल का तेल इस्तेमाल किया और उसके बाद आप धोने के लिए शहद, हल्दी और दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सभी चीज़ें रंग को उतारने के लिए रामबाण माना जाता है। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप दही, शहद और हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, किसी कारण से आपको दही से अगर एलर्जी है, तो क्या करें, ऑलिव ऑयल ले आएँ, जैतून का तेल कहते हैं इसे। जैतून का तेल आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, ऑलिव ऑयल के नाम से या जैतून के तेल के नाम से। जैतून के तेल को 1 चम्मच लीजिए, एक बाउल में रख लीजिए। एक बाउल में 1 चम्मच जैतून के तेल को रखना है और इसमें थोड़ा सा नींबू मिलाना है। अगर आप ज़्यादा जैतून का तेल रखते हैं तो आधा नींबू मिला दीजिए, अगर कम रखते हैं तो थोड़ा सा मिलाइए। आप ये ध्यान रखिए कि आपके बॉडी में कितना लगेगा, उस हिसाब से आप जैतून का तेल और नींबू को, इस मिश्रण को मिला लीजिए। और मिलाने के बाद जब आप होली खेल के घर वापस आते हैं तो क्या करें, आप
इस मिश्रण को बनाइए, जैतून के तेल और नींबू के मिश्रण को बनाइए। बनाने के बाद इसे अपने फेस पे, अपने हाथों पर और अपने शरीर में जहाँ जहाँ पे भी रंग लगे हैं, डार्क रंग लगे हैं, केमिकल वाले रंग लगे हैं, वहाँ वहाँ पे इसको लगा लीजिए। इसका मालिश कर लीजिए पहले। मालिश करने के बाद आप स्नान कर लीजिए, जिससे भी नहाते हो आप, साबुन से या जो भी साबुन आप यूज़ करते हो, शैम्पू यूज़ करते हो, उसे आप अपने बॉडी पर लगा लीजिए। इस नुस्खे को अपनाने के बाद आपके ऊपर जो डार्क कलर का केमिकल वाला रंग होगा वो आसानी से उतर जाएगा। दोस्तों, आप ये नुस्खा ज़रूर अपनाएं, क्योंकि होली के नाम पे आजकल गलत तरीके का व्यवहार लोगों ने शुरू कर दिया है, केमिकल वाले रंग इस्तेमाल करते हैं। यों तो हमारे पारंपरिक होली में कभी भी रंग से नहीं खेला गया, क्योंकि होली जब स्टार्ट हुआ था करीब 4,000-4,500 वर्ष पहले, रंग होते ही नहीं थे, तो उस वक्त हमारे पूर्वजों ने रंग का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया था। रंग का इस्तेमाल तो ब्रिटिश शासनकाल से शुरू हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आए और उन्होंने देखा कि होली के नाम पर यहाँ पर बहुत बड़ा व्यापार हो सकता है। उन्होंने दिमाग लगाया और रंग का इस्तेमाल कर हमारे बाजार में छोड़ा और धीरे धीरे हमने उसको अपना लिया। दोस्तों, पहले क्या होता था, पहले लोग गुलाब की पंखरुइयों से, चंदन के लेप से, फूलों से लोग होली मनाया करते थे। लेकिन थोड़े थोड़े समय बाद धीरे धीरे बदलाव आया समाज में और लोगों ने कलर यूज़ करना शुरू कर दिया। पहले कलर यूज़ करना शुरू किया, उसके बाद केमिकल वाले कलर आ गए और लोग केमिकल वाले कलर इस्तेमाल करने से परहेज नहीं करते हैं। अगर आप उन्हें टोकेंगे तो वो कहेंगे बुरा ना मानो होली है। लेकिन बुरा ना मानो होली है के चक्कर में हमारी सांस्कृतिक जो परंपरा है वो बिगड़ता जा रहा है और हमारे स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पड़ता जा रहा है। पहले तो हम आपको सलाह देंगे कि आप कम से कम हर्बल वाले रंग का इस्तेमाल करें, गुलाल का इस्तेमाल करें। और दूसरे लोग अगर आपके साथ केमिकल वाले रंग खेलना चाहते हैं तो उन्हें आप रोकें, लेकिन फिर भी वो मानेंगे नहीं, ये मुझे भी पता है, लेकिन आप उन्हें रोकने की कोशिश करें और उन्हें भी समझाएं कि ऐसा करने से क्या क्या नुकसान होता है। दोस्तों, अगर आप उन्हें रोकेंगे तो कुछ लोग ज़रूर मान जाएंगे और आप जब पहल करेंगे तो ये पहल धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। आज 2 लोग, कल 4 लोग, परसों 5 लोग, धीरे धीरे अगर 10-15 लोग भी स्टार्ट करेंगे हमारे समाज में, हमारे इस देश में, तो आने वाले कुछ समय बाद लोग वापस हर्बल वाले जो रंग होते हैं, गुलाल होते हैं, गुलाब के फूल होते हैं, उससे होली खेलना शुरू कर देंगे और हमारी संस्कृति वापस, हमारे परंपरा वापस हमारे समाज में लौट के आएगा। इसी के साथ होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, नमस्कार।